Hello, my dear friends. Welcome to Bioson channel. Today we are going to learn about blotting technique. So let's start. आज हम शुरू करने वाले हैं blotting technique. उससे पहले हम ये start कर लेंगे इस video lecture में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं blotting technique की definition, उसका meaning, उसकी history और कितने टाइप की blotting techniques होती है. So let's begin. सबसे पहले हम definition की बात करते हैं. तो blotting क्या होती है? Blotting वह process है जिसमें किसी डिजायर मॉलिक्यूल का या किसी मैक्रो मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है या उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है. मतलब यदि किसी कंपाउंड में से आपको कोई मैक्रो मॉलिक्यूल पता करना है तो उसके लिए आप ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं. बट ब्लॉटिंग के पहले उसका सेपरेशन या एक्सट्रैक्शन करना जरूरी होता है. वो मैक्रो मॉलिक्यूल वो मे बी डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकते हैं. इनका हम किसी कंपाउंड में पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा डिजायरेबल प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है या नहीं. ये होती है उसकी डेफिनेशन. तो आप नीचे इमेज देख रहे हो वो आरएनए ब्लॉटिंग की है, यानी कि नदन ब्लॉटिंग की, जिसमें उन्होंने पहले आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया है, उसे जेल इलेक्ट्रिक फोरेसिस पे रन करवाया और उसके बैंड को ट्रांसफर किया है ब्लॉटिंग पेपर पर. अब डिफरेंट टाइप की जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती है उनमें डिफरेंट टाइप के प्रोब्स और ब्लॉटिंग पेपर्स यूज किए जाते हैं. प्रोब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. नाउ अब हम आते हैं मीनिंग पे कि ब्लॉटिंग का मीनिंग क्या होता है. जो ब्लॉटिंग वर्ड है वो ब्लॉट वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्पॉट, यानी कि किसी पर स्पॉट बनाना या दाग लगाना. इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक वाइट पेपर है और उस पर आपने ब्लैक इंक से या किसी इंक कलर से स्पॉट या पॉइंट कर दिया है, तो किस तरह से वो दिखाई देगा वैसे ही ब्लॉटिंग के बाद आपका डिजायरेबल मॉलिक्यूल उस पर दिखाई देता है. ओके नाउ अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं. इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक्चुअल में 1974 में एडवर्ड सर्डन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की ब्लॉटिंग दी थी. डीएनए की ब्लॉटिंग दी थी और उन्होंने डीएनए का आइडेंटिफिकेशन किया था. उन्होंने अपने ही नाम पर इस ब्लॉटिंग का नाम सॉर्थन ब्लॉटिंग रखा. उनकी डिस्कवरी के बाद जितनी भी ब्लॉटिंग टेक्निक्स आई है उन्हें डायरेक्शन यानी दिशाओं के नाम पर नाम दिया गया. फॉर एग्जाम्पल नदन ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ये उसकी हिस्ट्री है. नाउ अब हम आते हैं टाइप्स पर. जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्लॉटिंग टेक्निक्स की डिस्कवरी हुई है. लगभग 10 टाइप. जो आप इमेज देख रहे हो उसे हम ब्लॉटिंग कंपास कहते हैं, जिसमें आपको सारी टेक्निक्स के नाम दे रखे हैं, उनके साइंटिस्ट और किस मॉलिक्यूल के लिए वो यूज की जाती है उसके बारे में दिया हुआ है. अब हम बात करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स के टाइप्स की. सदन ब्लॉटिंग के बारे में हम बात तो कर ही चुके हैं, फिर भी सदन ब्लॉटिंग एडवर्ड सॉर्थन ने 1974 में दी थी डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है. उसके बाद नदन ब्लॉटिंग जो दी गई थी वो एल्विन के थ्रू दी गई थी 1977 में आरएनए के लिए. वेस्टर्न ब्लॉटिंग टॉबीमिन के द्वारा दी गई थी और उनके स्टूडेंट्स के थ्रू दी गई थी 1979 में प्रोटीन के लिए. वहीं ईस्टर्न ब्लॉटिंग थॉमस और उनके कलीग्स के थ्रू दी गई थी 1982 में फॉर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की. ये तो थी हमारी सिंपलेस्ट और सिंगल ब्लॉटिंग टेक्निक्स. अब हम बात करेंगे मिक्स या कॉम्बिनेशन वाली ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में. जैसे हुई नॉर्थन एंड ईस्टर्न. नॉर्थन और ईस्टर्न जो है उसके थ्रू 1984 में प्रोटीन और आरएनए की ब्लॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू दी गई थी. मतलब उन्होंने प्रोटीन और आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके डिटर्मिनेशन के लिए दी थी. वहीं जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है बोगेलॉन के थ्रू 1996 में दी गई थी और ये थी लिपिड और प्रोटीन के इंट्रैक्शन पर, ठीक है. वहीं जो सॉर्थन एंड वेस्टर्न है वो बॉवर के थ्रू 1918 में दी गई थी और उन्होंने इसमें प्रोटीन और डीएनए का डिटर्मिनेशन किया था. उसके बाद आती है फार वेस्टर्न टेक्निक जो कि ह्यूमरर के द्वारा दी गई थी. उन्होंने 1994 में इसे दिया था और उन्होंने इस ब्लॉटिंग में प्रोटीन और प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए इस टेक्निक का यूज किया था. अब आती है मिडिल ईस्टर्न जो कि हैजबर्ग के थ्रू दी गई थी 1984 में. ये आरएनए और डीएनए की ब्लॉटिंग टेक्निक थी. लास्ट आपकी आती है फार ईस्टर्न जो कि इसका विस्की और टर्की के थ्रू 2000 में दी गई थी. ये था लिपिड और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए. इन टेक्निक्स में अलग अलग कंपाउंड्स का यूज किया जाता है और इनका डिटर्मिनेशन किया जाता है. तो ये थी हमारे आज के लेक्चर का. अब यदि आपको हमारी ब्लॉटिंग की ट्रिक्स सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रिक्स भी आपको बताएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.